चीज़ यूपीएससी में 8th रैंक बनाई, किस तरह से मेहनत करने की ज़रूरत पड़ी आपको और क्या कुछ फ्यूचर में रहेगा वो? यूपीएससी में 8th रैंक के लिए मैं बोलना चाहूँगा कि नियमितता बहुत जरूरी है, कंसिस्टेंसी, कि आप जो भी मेहनत कर रहे हो 6 घंटे 8 घंटे उसको डेली करें, आप ब्रेक लें बीच में, वो ज़रूरी है, जैसे 7 दिन में 1 दिन का ब्रेक ले लें, बट मेहनत करते रहें। और अगर बीच में फेल्योर आते हैं तो वो आएंगे, दे आर पार्ट ऑफ लाइफ, तो वो हमको आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। फेल हुए हैं तो दोबारा उठना पड़ेगा, दोबारा से तैयारी चालू करनी पड़ेगी फिर से, और नियमित रूप से मेहनत करनी पड़ेगी। तो कंसिस्टेंसी और परसिवरेंस बहुत ज़रूरी है इसमें। मोबाइल माना जाता है कि काफ़ी घातक है पढ़ाई के लिए, लेकिन किस तरह से इसका फ़ायदा यूज़ कर सकते हैं? यूपीएससी की तैयारी में मेनली तो बेसिक बुक्स हैं जिनसे पढ़ना चाहिए, और जो भी हार्ड कॉपी मटेरियल जो मिलता है उससे पढ़ना चाहिए। और हालांकि अब ऑनलाइन क्लासेस और भी जैसे मोबाइल से रिलेटेड रिसोर्सेज हैं, वो भी हेल्पफुल हो गए हैं। अगर आपकी फ्रिक्वेंसी उनसे मैच करती है कि आपको उनसे फ़ायदा हो रहा है, तो आप उनसे भी करिए। मेरे लिए ज़रूरी था कि मैं हार्ड कॉपी से पढ़ूँ, तो जो कुछ भी मेरे पास होता था मटेरियल, मेरे पास प्रिंटर है, मैं प्रिंट कर लेता था और हार्ड कॉपी से प्रॉपर अंडरलाइन करके पढ़ता था और उसी को वापस रिवाइज करता रहता था। अब जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे, किस तरह से वो तैयारी करें? मैं उनके लिए यही मैसेज देना चाहूँगा कि अगर आप डिटरमाइंड हैं कि आपको बनना ही है, सिविल सर्विसेज क्वालिफाई करना है आपको, तो आप मेहनत करिए, करते रहिए, आपको कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है इसमें। स्पोर्ट्स वगैरह या अदर एक्टिविटी, उस पर कितना पार्टिसिपेट मतलब आपका रहता था या करना चाहिए लोगों को? लोगों का अगर कोई इंटरेस्ट है तो वो कर सकते हैं, उनको करना भी चाहिए, क्योंकि आप हमेशा पढ़ नहीं सकते। आप दिन में 6 घंटे पढ़ोगे, उसके बाद आपको फटीग होने लगेगा कि नहीं अब दिमाग काम नहीं कर रहा, तो आप उसमें आप जो आपको काम पसंद है वो करिए, आप थोड़ा रिचार्ज हो जाएंगे फिर से पढ़ लीजिए। तो मेरे केस में होता था, मैं जनरली टीवी देख लेता था या फिर घर में पेरेंट्स से बात कर लेता था, कुछ डिस्कशन कर लिया ऐसे अदर देन दी स्टडीज़, कोई भी कॉमन जो चल रहा है बाहर, तो कुछ भी माइंड हल्का करने के लिए जो अपने ज़रूरी है। फिर मैं पार्क में घूमने जाता हूँ, मैं अभी भी जाता हूँ शाम को, वो मेरा फिक्स है कि वो जाने से मेरे को लोग दिखते हैं वहाँ पर तो अच्छा लगता है। तो फ्यूचर में क्या कुछ प्लानिंग है आपके, क्या कुछ पोस्टिंग मिलेगी, काम किस कैटेगरी पर? देखो, मेरी फर्स्ट चॉइस उसमें रही थी IAS, तो वो मिल जाएगा, और बाकी जो कैडर रहेगा वो डिपेंड करेगा कि कौन सा मिलता है, राजस्थान मिलता है। फर्स्ट चॉइस मैंने राजस्थान भरी है, फिर MP भरी है, फिर UP, तो वहीं कहीं ना कहीं मिल जाएगा उसमें से। बाकी जहाँ भी मिलता है ऑल इंडिया सर्विस है, हमको सर्व करना है, जहाँ गवर्नमेंट भेजेगी वहाँ जाना है। आंटी कितनी मेहनत करी आशीष ने और आपने किस तरह से सपोर्ट करा? मेहनत तो इसी की है, इसने दिन रात मेहनत किया, जम के खूब इसने मेहनत किया। किस तरह की खुशी हो रही है और क्या उम्मीद करते हैं, किस तरह से काम करेंगे देश के लिए? देश के लिए अच्छा ही काम करें, हम तो यही उम्मीद करते हैं। आपका नाम बता दें? मेरा नाम सुधा अग्रवाल। अंकल आप बताएं, आशीष ने किस तरह से मेहनत करी और मेहनत नियमित रूप से, फ्यूचर के लिए क्या कहना चाहेंगे? मेहनत करिए, नियमित रूप से करिए मेहनत, और आगे देश सेवा और समाज सेवा करें, हमारी यही इच्छा है।